तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यदि आप किसी को भी कॉल करते हैं कुछ टाइम आपका कॉल रिकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और कॉल जो है रिकॉर्ड होते रहता है, तो आप इसे कैसे बंद करना है ये बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के डायल पैड पे। तो चलिए हम अपना डायल पैड ओपन कर लेते पहले। तो यहाँ से हम डायल पैड ओपन कर लेंगे। अब जैसे हमारे मोबाइल का डायल पैड ओपन हो जाए, यहाँ पे कॉर्नर पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपका दूसरे कंपनी का मोबाइल है तो हो सके तो सेटिंग यहाँ नीचे या और कॉर्नर पर या इस कॉर्नर पर मिल जाए। तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग पहले। तो यहाँ से मेरा सेटिंग है, तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर चले जाता हूँ। तो जैसे हम कॉल सेटिंग पर आ जाएंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे फिर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जाना है सिंपली कॉल रिकॉर्डिंग पर। यहाँ पर देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग दूसरी कंपनी का आपका मोबाइल है, तो यहाँ नीचे और मिल सकता है, तो आपको ढूंढना पड़ सकता है, तो आप ढूंढ लीजिए। उसके बाद सिंपली हमें जाना है कॉल रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम जैसे कॉल रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन। तो इसका यूज़ क्या है कि जैसे आपका कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, आपके कॉल कर रहे हैं, तो यदि आपको पता नहीं चल रहा और चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन पाना कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, तो इसे आप सिंपली ऑन भी कर सकते हैं यदि आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का। तो इस तरह से आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल फ्रॉम लिखा है। तो यदि आप किसी का भी एक पर्सनली नंबर का कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑल नंबर पे सेट। तो सिंपली यदि किसी का सिलेक्टेड नंबर का आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको जाना है सिलेक्टेड नंबर पर और यहाँ पर जाना है सिंपली आपको कस्टम लिस्ट पर। अब जैसे हम कस्टम लिस्ट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम ऐड नंबर पर जाएंगे और जिस भी नंबर को हमें ऐड करना है या जिस भी नंबर का हमें पर्सनली कॉल रिकॉर्डिंग करनी है उसको यहाँ सेलेक्ट करके ऐड कर लेनी है। तो कोई सा भी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली आप ओके करके उसका कॉल रिकॉर्डिंग पर्सनली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक चल जाता हूँ। अब यदि आपको किसी का भी नंबर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली लिखा है, तो यहाँ से ऑन है, इसे सिंपली आपको ऑफ कर देना इस तरह से। तो जैसे ऑफ करेंगे हमारा कॉल रिकॉर्डिंग है वो कभी किसी नंबर पे नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी नंबर का कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।